मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं हुई। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं है? आपको मजा आता है काम करने में या कोई टॉनिक वगैरह आप ले रहे हैं? मोदी टॉनिक मास्टर, आप क्या टॉनिक पीते? मुझे पूछना पड़ेगा मोदी जी। मतलब टॉनिक नहीं मालूम तुमको? बोले क्या? मतलब रेड बुल। प्रधानमंत्री से पूछे कि 5 साल तक यही पूछे कि आप काम कितना करते हैं, थक क्यों जाते हैं? ये नहीं पूछता कि आप काम कब करते हैं, आप तो दिन भर रैली में नजर आते हैं। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मोदी पे भरोसा अखबार की सुर्खियों से पैदा नहीं हुआ, मोदी पे ये भरोसा टीवी पर चमकते चेहरों से नहीं हुआ है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो ये हिंदुस्तान टाइम्स ग्रीटिंग्स एंड वेलकम न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन द इंडियन एक्सप्रेस। फिर वही विज्ञापन, आदम कद कटआउट मोदी जी का। बंद करवाओ यार, बंद करो इन्हें। पूरा भरा हुआ वैश्विक निवेशक महाकुंभ, यहाँ पे योगी जी भी हैं, मोदी जी भी हैं, उसके बाद अमर उजाला। वैसे ही झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। बीपीसीएल बेच दिया, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। एलआईसी बेच दी, एयर इंडिया बेच दिया, आईडीबीआई बैंक बेच दिया। मुद्दे की बात तो ये है, डूबी हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए सरकारी संस्थानों को बेचने की नहीं बल्कि उन्हें ठीक करने की जरूरत होती है। कहा गया संसद में ज्यादातर लोग भारत की भाषा हिंदी बोलते हैं, तो क्यों ना हम लोग हिंदी को ही पूरे भारत में लागू कर दे। तो साउथ के एक आदमी बोलते हैं कि भले ज्यादा लोग हिंदी बोलते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि हिंदी अच्छी भाषा है। आप देखेंगे तो कोयल बहुत कम संख्या में होती है जबकि कौवा ज्यादा होते हैं, तो क्या कौवे की भाषा हम मधुर मान लें? 21वीं सदी में हमारा संकल्प बने कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश हो जो गरीबी से मुक्त हो, समृद्धि से युक्त हो। भारत ऐसा देश हो गंदगी से मुक्त हो, स्वच्छता से युक्त हो। ऐसा देश हो जो भेदभाव से मुक्त हो, समानता से युक्त हो। ऐसा देश हो जो निराशा से मुक्त हो, आशा से युक्त हो। रुको जरा, सबर करो। पंती के सम्मेलन के लिए महीनों से दिल्ली को सजाया जा रहा था, दीवारों पर रंग रोगन, फुटपाथ पर गमले और गरीबों के घरों के आगे पर्दा लगाया जा रहा था, और जहां पर्दे से काम नहीं बना उनका आशियाना ही उजाड़ दिया गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। ताकि साहब विदेश में जो डंका बजने का दावा करते हैं उसकी हवा ना निकल जाए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को मोदी साहब का फर्जी विकास ना नजर आ जाए। साहब का फरमान लिए पहुंची प्रशासन ने इनके घरों को उनकी आंखों के सामने मिट्टी में मिला दिया। उनके रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब छोटे छोटे बच्चों के साथ पूरा परिवार दर दर भटक रहा है, और उधर मोदी जी दुनिया के सामने फर्जी वाहवाही लूट रहे हैं। वाह मोदी जी, वाह देखा आपने लापरवाही का नतीजा। प्रधानमंत्री मोदी साइड में एक शख्स से बात कर रहे हैं, वो शख्स उनको कुछ समझा रहा है और पीएम मोदी बड़े गौर से सुन रहे हैं, और एक शख्स बिल्कुल उनके साइड में बिल्कुल दूसरी तरफ पहले से ही मौजूद है। पीएम मोदी के फ्रेम में हल्का सा वो शख्स पहले से ही आ रहा है, लेकिन पीएम मोदी को पता चल जाता है कि ये जो शख्स साइड में है ना, ये मेरा फ्रेम खराब कर सकता है। और पीएम मोदी हल्का सा एक इशारा करते हैं हाथ से, जैसे ही पीएम मोदी इशारा करते हैं वो एक शख्स जो हल्का सा पीएम मोदी के फ्रेम में आ रहा था उसे साइड कर दिया जाता है। कुछ सेकंड का फ्रेम है दोस्तों, लेकिन इस कुछ सेकंड के फ्रेम में पीएम मोदी के आजू बाजू जितने भी लोग हैं वो समझ गए कि पीएम मोदी के हाथ के इशारे का मतलब है जो उस फ्रेम है वो बिल्कुल साफ हो और उस फ्रेम में केवल पीएम मोदी ही दिखे। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? ऐसा करें, ये जो कैमरामैन है ना उनको आगे आ जाने देंगे। हाँ कैमरा वालों को आगे आने देंगे। भैया प्रेस वाले थोड़े नीचे हो जाएं तो लोगों को दिखे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। दोस्तों इस वीडियो में आप देख रहे दुनिया के इतिहास के इकलौते ऐसे भाई को जिसने रक्षाबंधन पर अपनी बहनों को 200 रुपए का गिफ्ट दिया और उसका ढिंढोरा पीटने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिए। बुरा लगा।
हाँ भाई कैसी लगी? गजब बेइज्जती है। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं और शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन भगवान के डर से हराम का खाना क्यों नहीं छोड़ते? अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।